ये हमसे सारा काम करवा रही है, खुद हम काफी रही है। एक छुट्टी हर किसी को मिलती है। एक हफ्ते से मैं काम कर रही हूँ उसका क्या एक छुट्टी? अब मैंने एक छुट्टी ली है पहली बार। आठवीं छुट्टी आज आपकी। बेचारे उधर रगड़ रगड़ के काम कर रहे हैं और ये आराम से लिमका पी रही है। ये कहते हैं दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है ये। तो हस्बैंड की छुट्टी है आज, तो मैंने सोचा पूरा फ़ायदा उठाया जाए इनका। तो यहाँ ऊपर मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था, और ये जब से काम हुआ था ना इसकी पन्नियाँ हटाई थी ना, तो वो एक चिप वैसा रह जाता ना जैसे फेविकोल का निशान से, तो वो लगे हुए थे जो अभी भी हैं। देखें मैं पास से दिखाती हूँ, और जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फिर आपको दिखाऊँगी। नीचे का तो हो गया एकदम। कैसा लग रहा है काम करके? हाँ पसीना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है आज एक दिन की छुट्टी है तेरी, ठीक है? तो आज ये और अनुषा करेंगे काम, और आज है मेरी एक दिन की छुट्टी, ठीक है? क्या बनाओगे खाने में? खाने में बनेगा क्या बनेगा? क्या बनेगा? बनेगा घिया कोफ्ते। अच्छा बनाना आते हैं? हाँ। कब बनाए पहले? पहले खाने में बनाए थे। तो देखते हैं आज किसको हाथ लगाऊं। चलो ठीक है पकड़ लिया। तो देखती हूँ कि ये छुट्टी मेरी कब तक चलती है। अभी तक तो सुबह से वैसे छुट्टी है, तो इन्हें काम करने देते हैं। तो हस्बैंड सारा काम करके बैठ गए। कैसा लग रहा है काम कर कर आज पहली बार? खाली किचन नहीं गया बाकी। तो मेरी छुट्टी है या मैं भी काम पर लग जाऊँ? तुम भी लग जाओ काम ज़्यादा। मतलब छुट्टी दी थी तुमने तो कि एक दिन की छुट्टी है? हाफ डे हो गई ऐसा। अच्छा, और ये भी कितना अच्छा लग रहा है सारा हो गया है, मैं भी अपने काम पर लगती हूँ। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती मुझे, ऐसे बोलते हैं दिल खुश कर देते हैं बस, है ना? ये देखता हूँ घूम के आ, देख देख कितना गंदा हो रहा है, देख इसको शिकार। ओए देखा अगर देखा छोड़ दो छोड़। मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मेरे पास धुल ही गए हैं, थोड़े बचे हैं, और इधर बन रहा है मेरा खाना। तो साथ में एक दोनों काम कर रही हूँ, जल्दी हो जाएगा, और फिर नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ भी पढ़ूँगी। और आज मैं बना रही हूँ अंडे, तो फिर अपना खाना बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरा खाना तैयार है, अंडा आलू भी बन गए हैं और चावल भी बन गए हैं, और ये है चिकन चंगे जी, और खीरा काट लिया है बस। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़कर और खाना खाकर थोड़ा सा आराम किया, और फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और चाय के साथ बना रही हूँ मैं स्नैक्स में थोड़ा सा कुछ, मतलब चटपटा सा कहा था हस्बैंड ने कुछ बना दो, तो इसलिए मैं आ गई थी किचन में। और उनकी छुट्टी थी, घर पर थे आज, और मुझे कहा था कि एक दिन की छुट्टी है, और कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ वीडियो में, मतलब ये जो किचन है का है ना, ये किया था सिर्फ साफ़ उन्होंने, क्योंकि मैं ऊपर नहीं चढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो चिकना पत्थर ही है किचन का, और पैर वैर ना स्लिप हो जाए मेरा, तो मैं वहाँ पर चढ़ती नहीं हूँ। और अभी काम भी नया ही हुआ था, तो इसमें ना वो जो पन्नी की वो रहता है ना, उसके नीचे जो चिपचिपा सा वो पदार्थ सा, वो इतना जमा हुआ था और मैं चढ़ नहीं पा रही थी। तो हस्बैंड की छुट्टी थी, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा काम ही करा दो, तो सिर्फ उन्होंने यही किया था और कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने ही किया है। और बस वो बोलते हैं कि हाँ एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, एक दिन की छुट्टी ले लो। अगर मैं कभी बोलती हूँ ना कि आज छुट्टी है, तो कहेंगे चलो बाहर से आएगा पूरा दिन खाना, तो बस वो मुझे सही नहीं लगता। मैं कोई नहीं, वैसे भी बैठी हूँ, तो बस मैं अपने काम में लग गई थी, खाना भी बनाया था, और फिर पूरे घर की सफाई की थी, सिर्फ उन्होंने किचन की ही की थी। और कपड़े वपड़े धोने के बाद फिर आराम किया थोड़ी देर, और फिर से किचन में आ गई हूँ चाय के साथ कुछ बनाने के लिए। और ये ना अनुषा को बहुत पसंद है, और अनुषा ने कहा था बनाने के लिए, तो अच्छा लगता है, तो मैं चलो बना लेती हूँ स्नैक्स में थोड़ा सा। और बस कपड़े वपड़े मेरे, मैंने ज़्यादा हैवी से नहीं लिए, कॉटन का सूट लिया है अनुषा के भी, आज शाम को जाकर लाने हैं मुझे। मतलब कपड़े तो आ गए, उसका थोड़ा सा रबर बैंड वगैरह ये जो होता है चूड़ी वगैरह,
तो सिर्फ यही लेकर आनी है उसके लिए, और बस जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरे ब्लॉग प्रॉपर आने रहें सही से, आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो बस इसलिए, तबीयत ख़राब है, हस्बैंड भी थोड़ा आज इसलिए मदद करा रहे थे, तबीयत मेरी पता नहीं क्या हो जाता है, सही रहती हूँ फिर दो चार दिन बाद फिर ऐसा होता है तबीयत ख़राब हो जाती है, और अब तो ऐसा लग रहा है जब खड़ी होती हूँ ना चक्कर सर आने लगता है, तो अल्लाह का शुक्र आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, वरना डेली डालती हूँ या दूसरे तीसरे दिन तो मैं डालती हूँ, इसलिए मिनी ब्लॉग ही डाल रही हूँ कि चलो ये ना हो कि हाँ जी कुछ नहीं डाल रही हूँ, तो जो भी है आप माइंड मत करना और प्लीज़ सपोर्ट करना, ये नहीं कि हाँ जी मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप फिर हट जाए मेरे चैनल से, ऐसा कुछ नहीं है, आगे मैं प्रॉपर डालूँगी। और मैंने थोड़ा सा पकौड़ी का भी बैटर तैयार कर लिया था, मगर मैंने पकौड़ियाँ बनाई नहीं थी, जब इनको बनाने खड़ी हुई तो ये ही इतने हैवी से लग रहे थे ना मुझे बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे बने थे, तो फिर मैंने पकौड़ियों का बैटर रख दिया था कि कल बना लूँगी बाद में बना लूँगी, तो बस यही अपने बनाए, और बस देखने में ना जब तलने के बाद ना इतना प्यारा कलर आया था इन पर, तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे, और इनको फिर सॉस के साथ खाया था, ग्रीन चटनी भी रखी थी मगर वो खाई नहीं थी किसी ने, तो बस सॉस के साथ ही खाया था और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। चलिए भाई क्या है और स्नैक्स में बनाए हैं, तो चलिए फिर देते हैं अपना कैसा बने, टेस्टी कैसा बने, अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने हैं, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग, तो आप सबके से उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऐसे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जा रही हूँ मार्केट, अनुषा के कपड़े तो आ गए हैं जो वो दिखा नहीं रही है, बस बाद में दिखाऊंगी जो मम्मी ईद पर पहनूंगी, अभी किसी को नहीं दिखाना, तो इसलिए मैंने कपड़े दिखाए नहीं है, और थोड़ा उसको सामान हेयर बैंड वगैरह के लिए थोड़े से छोटे से टॉप्स लेकर आऊँगी, तो देखती हूँ फिर क्या क्या लेकर आती हूँ, तो उसकी शॉपिंग करा देती हूँ पूरी कम्प्लीट हो जाएगी उसकी, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी बस। और यहाँ कितनी मस्ती में इंजू उसके बच्चे सो रहे हैं और ये सोफे के कवर मैंने धोए थे सुबह, तो अभी सूखे नहीं है तो ये डालूंगी बाद में, तो चलिए फिर मार्केट चलती हूँ अनुषा को लेकर। ये तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ खराब करने के लिए, ठीक है चल वो हटा दे इसको, नहीं नाखून से फाड़ देंगे अपने, टाइल में मैच हो रहा है इसलिए ये कलर लेकर आई हूँ मैं अपना, सोफे के कवर भी इसी कलर के हैं तो इसके लिए लाई हूँ, हटा दो बेबो काट देंगे नहीं तो, तो मैं ये लेकर आई हूँ अपनी चूड़ियाँ घर में पहनने के लिए, और अनुषा के हैं ये सूट पे मैचिंग, चलो अपने ड्रेस तो दिखाने रही है, इसकी ड्रेस ब्लैक कलर की है और चूड़ियाँ भी ब्लैक कलर की, क्या मना कर रही है कि मत बताओ, तो वो तो पता चल ही जाएगा जब चूड़ियाँ इस कलर की हैं तो, ठीक है मैं लेकर आई हूँ चूड़ियाँ और रसगुल्ले, गरम गरम गुलाब जामुन चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, और ये भी लाइट ना इतनी जल्दी ख़राब हो गए सारे, इसके नग निकल गए पानी में, तो ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो रिजेक्ट कर देती हूँ इन्हें और ये पहनती हूँ। तो मार्केट से आ गई हूँ और अपने लिए लाई हूँ सिर्फ दो दो चूड़ियाँ, अच्छी लगती मुझे पहनना जब शादी वगैरह में जाती हूँ या फिर कोई त्यौहार होता है ना ईद वगैरह पर, तब थोड़ी हाथ भर के पहन लेती हूँ, वरना सिर्फ दो दो कंगन अच्छे लगते हैं, तो बस वही लाई हूँ, और अनुषा का थोड़ा सामान रह रहा था वो लेकर आई हूँ, और बस आज का यही था मेरा व्लॉग, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।